क्या है क्या है ये सब, क्या है, क्यों आप लॉकडाउन में हमारा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या बताऊँ यार, मुझे जितना गुस्सा आ रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा हंसी भी आ रही है। और अगर मैं हंसती हूँ तो फिर मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, और जब मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मुझे हंसी बहुत आ जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊँ। मेरे साथ हुआ एक अजीब सा इंसिडेंट। अब मैं आपको क्या, अमेजोन वालों क्या सोच के भेजा आपने मुझे ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस क्योंकि जो साइज मैंने ऑर्डर किया वो तो मुझे मिला ही नहीं। कुर्ता किसी और के साइज का भेजा है, पैंट किसी और के साइज की भेजी है। कैसे रख लूँ मैं आपके इस पेड गिफ्ट को जिसके लिए मैंने पे किया है। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आप लोगों से किस बारे में बात कर रही हूँ। मैंने अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले एक ऑर्डर प्लेस किया था अमेजोन से, और जिसकी डील मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं अभी भी कहती हूँ कि अगर किसी को ये डील अच्छी लगे तो किसी को क्या, आप सभी को ये डील बहुत अच्छी लगने वाली है। बस कोशिश ये है कि अमेजोन वाले आप लोगों को टाइम से और सही चीज़ भेजें तो ये डील आप लोगों के लिए अच्छी है। अदरवाइज़ तो जो है रिटर्न और पिकअप करने में ही हमारा जो है पूरे दिन चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको, मैं यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप थोड़ी देर में ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने जो है अमेजोन से एक जो है कुर्ता सेट ऑर्डर किया है जिसका प्राइस मुझे पड़ा है 469 का। जी हाँ, लेस देन 500 में। अगर आपको इतनी अच्छी डील मिल सकती है तो आपको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। लेकिन मैं बस आप लोगों को एक डील बता सकती हूँ कि क्योंकि ये डील मुझे बहुत अच्छी लगी और उसी के चलते मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया। बट ये ऑर्डर मुझे इस कंडीशन में मिलेगा इसकी मुझे कोई अमल की थी नहीं, क्योंकि मुझे, मैंने जो साइज़ ऑर्डर किया था मुझे वो साइज़ नहीं मिला है। और उसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा लोचा हुआ है इस पूरे पैकेट के साथ में। हुआ ये है कि जो कुर्ता सेट की जो कुर्ती है वो है मीडियम साइज़ की, ठीक है, और जो पैंट है वो है डबल एक्सल साइज़ की। तो अब मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि जो कांड अमेजोन वालों ने मेरे साथ किया है, या जो डिलीवरी, जो भी पैकेज को पैक करने वाली जो टीम है, जो पैकेजिंग टीम है इनकी, जो उन जो लोचा उन लोगों ने मेरे साथ किया है, ऐसा है लोचा आई गेस दो लोग जिन्होंने वो आइटम ऑर्डर किया होगा उनके साथ भी हुआ होगा। बेचारे मीडियम वाले, मीडियम साइज पहनने वाले बंदे की शर्ट तो मुझे पहुंच गई और डबल एक्सल साइज पहनने वाले की पैंट मुझे पहुंच गई, और जो मैंने साइज ऑर्डर किया था वो किसी और के पास पहुंच गया। तो तीन लोग लटक गए ना इस चीज के पीछे में। तो अब मुझे हंसी आ रही है कि मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे साथ हुआ है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चलो प्रूफ के साथ देख लीजिए क्या हुआ है। तो ये है वो फेबुलस डील। मुझे ये पूरा सेट कुर्ता और ये जो पैंट है नैरो पैंट, ये मुझे मिली है 469 रुपीज़ की अमेजोन से। तो डील बहुत ही अच्छी थी और ये कुर्ता मैंने बहुत लोगों को पहने हुए देखा था तो मुझे काफ़ी पसंद आया था। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, कपड़ा भी कॉटन में है तो ये पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस तरह की चीज़ें मिलेगी कि मैं इसको चाह के भी रख नहीं सकती। तो यहाँ पर ये जो कुर्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो इस तरह का कुर्ता है। कुर्ता और पैंट शर्ट दोनों ही 469 में है आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हो मीडियम साइज़। मुझे कुर्ता मीडियम साइज़ का आया है जबकि मुझे मीडियम साइज़ अभी आता नहीं है। मुझे लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज अभी इस तरह से आ रहे हैं, और पहले डबल एक्सल आता था तो मैंने उसी हिसाब से मंगवाया था। लेकिन और मैं आपको ये भी सच से बता देती हूँ कि मैंने ऑर्डर किया था डबल एक्सल साइज़ जानबूझ के, क्योंकि मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे जिसके कारण मैंने डबल एक्सल यूज़ किया। मैं चाहती थी कि मैं डबल एक्सल का कुर्ता मंगवा के इसको अपने हिसाब से ऑल्टर करवा लूँगी जो भी मेरी फिटिंग है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉटन में एक्सल साइज़ भी नहीं आता है और कभी कभी डबल एक्सल भी नहीं आता है। तो मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ मंगवाया ताकि मैं इसको ऑल्टर करूँ, लेकिन हुआ ये कि मुझे मिला कुछ और ही। तो जिसके चक्कर में जो है मुझे ये अब ना तो पैंट मुझे प्रॉपर आ रही है क्योंकि नैरो पैंट है, डबल एक्सल साइज़ में है तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खुली है, और जो कुर्ता आया है वो मीडियम साइज़ का है और जो कि मुझे हद से ज़्यादा टाइट है। मुझे लार्ज साइज़ इन दोनों आ रहा है, लार्ज से एक्सल साइज़ आ रहा है। मैंने डबल एक्सल जानबूझ के मंगवाया था लेकिन मुझे पैंट तो डबल एक्सल साइज़ की मिली लेकिन कुर्ता मुझे मीडियम साइज़ का मिला। तो मेरे लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि मैं इसको रख पाऊँ, तो मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। और बस इसी एक्सचेंज के चक्कर में और रिफ़ंड के चक्कर में जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। कहाँ मैं इस वीडियो को एक पॉजिटिव तरीके से बताने वाली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा पार्सल आएगा कि मुझे ये वीडियो इस तरीके से बनानी पड़ जाएगी।
तो फिर मुझे लगता है कि अमेजोन वाला मुझे कहता है कि आपको जो फिट आता है आप रख लो, अगर आप मोटे हो तो आप पैंट रख लो, और अगर आप पतले हो तो मीडियम साइज की शर्ट रख लो। हमारे पास तो यही है, इतने में इतना ही मिलेगा। 469 की डील में अगर आपको ये मिल रहा है तो आई वॉट टू डू। लेकिन अगर ऐसा दोनों में से कोई अगर एक चीज़ मुझे फिट आती तो मैं फिर भी रख लेती, बट वो होने वाला नहीं है, मुझे रिटर्न ही करना पड़ेगा। और मैंने रिटर्न ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। अब दोबारा फिर से यार वो बेचारा बंदा फिर से लेने आएगा, फिर दोबारा फिर से मेरे पास जो है वो साइज घूम फिर कर आएगा, फिर 10 दिन लग जाएंगे। उस चीज़ का थोड़ा स्यापा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब इतने लापरवाही क्यों क्यों इतने लापरवाही आप लोग करते हो कि एक तो लॉकडाउन में वैसे कूरियर नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेरे मेरे कुछ छोटे मोटे जो पार्सल्स वगैरह हैं वो अटके हुए हैं कहीं पर सिर्फ लॉकडाउन के चक्कर में, और जो पहुंच रहे हैं वो अगर इस हालत में पहुंचेंगे तो मुझे तो वापस करना ही पड़ेगा ना। खैर छोड़ो, ये है आज की अपडेट। तो ये हो गया आज मेरे साथ में। बाकी कल मैंने बनाए थे वेट लॉस वाले लड्डू, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। जी हाँ, जिस लड्डुओं को खा के मैंने अपना वेट कम किया वो लड्डू मैंने दोबारा फिर से बनाए हैं। अभी 15 दिन पहले ही वो लड्डू मेरे खत्म हुए थे, तो दोबारा फिर से लड्डू बनाए हैं अपने लिए, है ना। तो सिर्फ आधे घंटे की मेहनत है और आपको अच्छा खासा वेट लूज मिलने वाला है। मीठे के नाम पे मीठा है और आप रोज इस मीठे को खा सकते हो। तो अगर आपको खाकर और वो भी मीठा खाकर अगर आप अपना वेट लूज कर सकते हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। तो मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी के स्टार्टिंग में ही ये लड्डू बनाए थे। तो आप दोबारा फिर से, क्योंकि मुझे फिर दोबारा 10 किलो वजन कम करना है, तो उससे आप मैंने दोबारा फिर से एक बार ये लड्डू बना लिए ताकि मुझे आराम से 1 महीने तक ये लड्डू चले और मुझे कोई दिक्कत ना आए और मैं रोज मीठा खा सकूं और अपना वजन भी कम कर सकूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिन्हें वेट लूज करना है, जिन्हें थायराइड है मेरे तरीके से, और वो चाहते हैं कि उनका भी जितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है उतना अच्छा रिजल्ट उन्हें मिले। तो बस आज की वीडियो इतनी ही, और बाकी जो मेरे साथ जो अब जो मेरे साथ जो अमेजोन की तरफ से जो इशू हो गया है वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं, करती हूँ सब चीजें शुरू वापस से। आरवी आरवी हेलो चलो गाइज, बाय गाइज, सी यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी डाइटिंग कीजिए और फटाफट अपना वेट लूज कीजिए।